सो वेलकम टू विजन एक्स अपडेट्स। एंड आ चुकी है भैया 4 दिन बाद वापस, क्योंकि आप सभी को पता होगा भाई मेरे चैनल की एक प्रथा है कि भैया मैं 4 दिन पूरा फुल कंसिस्टेंट रहता हूँ एंड फिर 5-6 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ, एक भी वीडियो नहीं डालता। सो वही प्रथा चला रहा था मैं अभी, बट स्टिल भाई कुछ इश्यूज़ वगैरह आ गए थे इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। बट हाँ, इस वीडियो में 5 से 6 न्यूज़ होने वाले, सो वीडियो में तक बने रहना। एंड जैसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर देना, 50K सब्सक्राइबर्स के मैं हर बार बोलता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, करवा दोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल। एंड अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ को लेकर के। सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ आ रही भैया ये BGIS मॉड एंड सोल के मैटर को लेकर के। सो बेसिकली चीज़ क्या हो रही थी कि मतलब ये जो BGIS की जो चैट होती है वहाँ पे एक मॉड आ जाता है एंड मतलब वो बहुत अनशन चीज़ें लिखने लग जाता है, लाइक सोल पॉलिटिक्स, वेट स्लॉट वगैरह वगैरह। एंड बल्कि तो मतलब सोल फाइनल्स में थी भी नहीं, बट स्टिल वो जो मॉड बनाया गया था जिसको, वो मतलब ऐसी चीज़ें लिख रहा था कि सोल पेट स्लॉट, सोल पॉलिटिक्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लिख रहा था। एंड ये जितनी भी चीज़ें लिखी जा रही थी वो भाई ऑलमोस्ट 1 लाख वॉचिंग वाली चैट में लिखी जा रही थी। एंड मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियोस में ये चीज़ें भी दिखाई है कि जब BGIS में हमें एक मॉड देखने को मिलता है वो है भाई तुषार नाम के एक भाई है, वो है मॉड जो BGIS की चैट में हमें मोस्ट लाइकली देखने को मिलते हैं। बट ये सेकेंड मॉड हमें देखने को मिले थे जो मतलब अब्यूज़ वगैरह कर रहे थे सोल को। अब ये पॉलिटिक्स वगैरह तो बोल ही रहे थे, ये अब्यूज़ भी कर रहे थे, बट उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि आजकल भैया यूट्यूब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है। सो यही चीज़ है भैया, ये सोल को पॉलिटिक्स एंड ये सब पेड स्लॉट एंड उसके बाद थोड़ी सी गालियाँ वगैरह भी दे रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के गोल्डी भाई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जहाँ पे गोल्डी भाई ने ये चीज़ लिखी कि द मॉड ऑन द ऑफिशियल चैनल वॉज गिवन मॉड बाय मिस्टेक एंड ही वेंट रोग, सो चिल आउट एवरी वन, इट्स नॉट ऑलवेज जाक, सच ह्यूज इवेंट्स दीज थिंग्स हैपन, अप्रिशिएट हाउ द बैटल ग्राउंड टीम हैज केप्ट द चैट सो क्लीन टुडे। सो बेसिकली गोल्डी भाई ने यही कहा कि भैया वो मॉड को मॉड गलती से दे दिया एंड फिर वो बबला गया एंड वो सब चीज़ें स्पैम करने लग गया एंड फिर उन्होंने मतलब बैटल ग्राउंड की टीम को जो है अप्रिशिएट भी किया है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर चुकी है भैया रेगल्टॉस को लेकर के। सो बेसिकली सीन क्या होता है कि जो रेगल्टॉस है उनके मतलब जो नई टीम के लीक्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि भैया रेगल्टॉस दूसरी नई टीम में जाने वाले हैं। एंड अगर रेगल्टॉस दूसरी नई टीम में जाते हैं तो इसका सिंपल ये हमें मतलब इंडिकेशन मिलता है कि जो रेगल्टॉस है उन्होंने उस टाइम पीरियड के लिए सोल को लीव कर दिया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी तो रेगल्टॉस बेंच हो रखे थे, यानी मतलब वो टॉप 4 प्लेयर्स में नहीं थे, जो प्लेइंग 4 होता उसमें नहीं थे एंड वो सब्स्टिट्यूट वाले उसमें भी नहीं थे। सो रेगा अगर खेल भी नहीं रहे थे बट स्टिल ही वॉज अ पार्ट ऑफ सोल एंड ये सब चीज़ थी। बट अगर कोई रेगा नई टीम को ज्वाइन कर लेते हैं सो बेसिकली इसका मतलब यही होगा कि मतलब जो रेगा है उन्होंने सोल को छोड़ दिया है। सो रेगा की न्यू टीम वाली जो क्लिप है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई जितना मेरे को सुनने में आया है, मैं कार्ड्स में नहीं हूँ तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर अनदर टीम, जब तक के हाथ पैर और तो चलाई गई, हाथ भरा तो नहीं हो सकते क्योंकि मेरे को कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। Brimstone the corporate sellout. एंड अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ को लेकर के जो कि यानी भैया 420 ओपी को लेकर के। सो आप सभी को पता होगा जो हेक्टर है उनके हमें लीक्स भी देखने को मिले थे कि भैया वो सोल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अक्षत और ओमेगा ने तो ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है एंड शायद से ओमेगा ही IGL करने वाले हैं। सो ये सब चीज़ है अभी, बट स्टिल अभी हेक्टर का जो सोल का अनाउंसमेंट है वो ऑलमोस्ट 99% कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि 420 ओपी ने भी इस चीज़ के रिलेटेड हिंट्स दिए थे एंड जो अभी जो हेक्टर है उनको मॉर्टल ने भी फॉलो कर लिया उनके इंस्टाग्राम पे। एंड आप सभी को पता होगा जो मॉर्टल है वो मतलब वही गाइड करते हैं टीम सोल को। सो अगर कोई टीम सोल का पार्ट होगा तो बेसिकली मॉर्टल उसको फॉलो तो करेगा ही। सो मॉर्टल ने हेक्टर को फॉलो कर लिया एंड 420 ओबी ने बहुत बड़ा हिंट दिया है, सो वो वाली क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। शतन ओमेगा खेलेंगे एंड उनके साथ जहां तक मुझे पता है कि काफी अच्छे असॉल्टर्स होने वाले हैं, दो भाई काफी हैवी हैवी असॉल्टर होने वाले हैं जो काफी अच्छा खेले हैं पास्ट में। इफ यू टेक स्काई स्पोर्ट्स, इफ यू टेक काफ़ी टूर्नामेंट जो अनऑफिशियल ऑफिशियल में मे बी ऑफिशियल वाला भी कोई प्लेयर हो, बट मेरे को जहाँ तक पता अनऑफिशियल वाले मतलब अनऑफिशियल में बहुत बढ़िया खेले वो लोग, इवन ऑफिशियल में दे एवरी वन गेव देयर बेस्ट, बट वही सीन है दे आर वेरी यंग असॉल्टर्स जहाँ तक मुझे पता है, वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, वेरी हैवी असॉल्टर्स, मज़ा आएगा देखने में। हो पाएंगे बढ़िया तो खेल ही रहे भाई, बट वाई हेक्टर नॉट प्लेइंग फ्रॉम एंटिटी, समझ जाओ बस तुम, फिर समझदार को इशारा काफी है दोस्तों। एंड अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के जो कि यार ये भैया बड़ा मेजर अपडेट है उसको लेकर के। सो बेसिकली ये ई न्यूज़ बॉय के द्वारा एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली गई है जहाँ पे ये चीज़ बताई है कि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी है कि अगर जो मतलब जो फर्स्ट पोजीशन में जो टीम आती है वो अगर उन सिचुएशंस को फॉलो नहीं करती है तो जो सेकंड बेस्ट टीम होगी BGIS में उसको BMGC में भेज दिया जाएगा। सो बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पोजीशन में टीम आएगी वो BMGC के लिए नहीं जा पाएगी, बट उसको जो फर्स्ट पोजीशन वाला प्राइस पूल होता है एंड जितनी भी चीज़ें होती
होगी वो तो मिल ही जाएगी, बट वो लोग BMGC में नहीं जा पाएंगे, उनको BMGC में इन्वाइटेड स्लॉट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली वो जो कंडीशंस है वो ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है करंट BJS लाइनअप में, दो प्लेयर कोरोना पॉजिटिव है, डबल वैक्सीनेशन नहीं है। सो बेसिकली ये चीज़ है, अगर ये तीन चीज़ नहीं होती है सो पंगेबाजी हो सकती है। एंड उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम तीन प्लेयर लोन पे लिया जा सकता है, और नीचे उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि भैया जो टीम है वो लोन में प्लेयर ले सकती है, जो एलिजिबल प्लेयर्स होते हैं वो बोले, क्योंकि भैया इतना जो बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है BMGC में जाने का वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टीम मिस नहीं करेगी, सो लोन में प्लेयर्स ले सकते हैं। एंड अगर बात रही भैया लोन में प्लेयर्स लेने वाली, सो अभी कुछ ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि भैया जो स्नैक्स है वो एक्सो की तरफ से एज अ फिफ्थ प्लेयर लोन में जाएंगे वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ में एक क्लिप आई है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नहीं कर सकेंगे, this is the most important thing, please note तुम लोग ये मेरे को ये बताने के लिए वीडियो देख रहे थे, ऐसा कर रहे हो जैसे आपको तहलका मचा दिया, कुछ खतरनाक हो गया, टेसरैक के ऑफिस पे ओशन का झगड़ा हो गया, ये हो गया वगैरह वीडियो। अरे ये मेरे को भी पता है भाई, तुम ये बताने के लिए बोल रहे थे। conditions are for current lineups who are participating in BJS grand finals के players के लिए important है। BMGC regulation, a team need to consist of 6 players to participate in BMGC, team traveling for BMGC can loan up to 3 players from another team of India players to participate in BMGC. Team traveling for BMGC can loan up to 3 players from another team of मैं खुला हूं गाइस, मैं ओपन हूं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, आई एम फ्री फॉर अपॉर्चुनिटीज, तुम बुलाओगे मैं ऐसा भाग के आ जाऊंगा, जो भी टीम जीत रही है देख लो गाइस, आई एम अ फ्री एजेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नथिंग, आई एम अ फ्री एजेंट of India. India से कहीं से भी कोई भी तीन प्लेयर आप लोन पर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि PMGC का क्राइटेरिया आपको 6 प्लेयर्स खिलाने। और आप सभी को पता होगा अभी मतलब ओशन ने ये भी चीज़ बोली थी कि भैया जो भी टीम BJS को जीतती है वो मतलब स्नैक्स को एज अ लोन प्लेयर लेके खिलवा लेना, क्योंकि उनको इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस वगैरह बहुत ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें मतलब हमारे ओशन शर्मा भाई ने कही थी, सो ये ही अभी चीज़ें हैं। बट अभी स्टिल बहुत सारी टीम जो है वो टॉप 4 टॉप 3 के कंटेंडर है, एंड मतलब अभी मतलब डिसाइडेड नहीं है कौन सी टीम जीत सकती है, बट मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं एक्सो जीतेगी। एंड जो गॉडलाइक कमबैक है भाई उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से गॉडलाइक कमबैक कर सकती है। बेसिकली अगर गॉडलाइक को कमबैक करना होगा सो बेसिकली ऑलमोस्ट 3 से 4 मैचेस में 6 कंटेनर निकालने पड़ेंगे, विच इज़ अ वेरी टफ टास्क। और इसी चीज़ को लेकर के उनका एक जो फैन टाइप से होते हैं वो मतलब वहाँ पे जो नीचे आते हैं उनके बूट कैंप में, एंड ये चीज़ लिखते हैं कि भैया कमबैक होगा दिल से गॉडलाइक एंड वगैरह वगैरह, आप अपनी स्क्रीन पर उसके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। सो गॉडलाइक को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। एंड अब बात करें तुम्हारी नेक्स्ट चीज़ को लेकर के, जो कि अरे भैया पबजी एंड फ्री फायर को लेकर के, सो पबजी की जो पेरेंट कंपनी है क्राफ्टन उसने भैया केस ठोक दिया फ्री फायर के अगेंस्ट में, क्योंकि आप सभी को पता होगा बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज़ है वो आपको फ्री फायर और पबजी दोनों में देखने को मिल जाती है। दोनों चाहे मतलब अलग कॉन्सेप्ट का गेम हो, थोड़ा सा अलग हो, बट स्टिल देर आर मेनी सिमिलैरिटीज़, थोड़े थोड़े स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो इन सिमिलैरिटीज़ को लेकर के भैया जो क्राफ्टन है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फायर के गिराना कंपनी पर केस कर दिया, यूट्यूब पर केस कर दिया, गूगल पर केस कर दिया है, और एप्पल के ऐप स्टोर पर केस कर दिया है। बेसिकली जो यूट्यूब गूगल और एप्पल पर इसलिए केस किया है क्योंकि भैया आपने ये जो फ्री फायर का कंटेंट है वो अपने सर्विसेज में रखा कैसे हुआ है। सो यही अभी सब चीज़ें चल रही हैं कि भाई क्राफ्टन ने बैंड बजा दिया फ्री फायर की, देखते हैं अभी मतलब क्या एक्शंस लिए जाते हैं एंड क्या क्या एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि भैया अगर CS:GO ऐसे वैलोरेंट वे मतलब केस ठोक दे सो ऐसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर क्योंकि जो वैलोरेंट है वो इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड और कॉपी में ज़्यादा डिफरेंस होता है भाई। बट स्टिल आप क्या सोचते हो कॉपी है या नहीं है वो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो एक यार एक लाइक कर देना, चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक ले पीस आउट एंड साइनिंग आउट। बट हाँ अभी एक और मेरे को चीज़ बतानी थी, मैं बताना भूल गया, जो आप सभी को बताओ होगा जो रॉक्स है उनका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो वापस आ चुका है, उन्होंने फिर से एक्टिवेट वगैरह करवा लिया है। सो बेसिकली अभी मैक्स का से पूछा जाता है कि जो रॉक्स है उनका कोई अपडेट वगैरह दे दो, आप सभी को बताओ होगा कि रॉक्स के मतलब रिवॉल्विंग कितनी मतलब हेक्टिक सिचुएशन चल रही थी कि भैया रॉक्स ने इंस्टाग्राम भी एक्टिवेट कर लिया, मेंटल प्रेशर वगैरह। सो इस चीज़ को लेकर के मतलब प्लेयर्स से पूछा गया, सो बाकी प्लेयर्स ने ये चीज़ बोला कि जो रॉक्स है वो जल्दी कमबैक करने वाले हैं, बट आप सभी को पता होगा जो टीम सोल है उसमें तो डिसाइडेड है कि भैया टीम सोल की लाइनअप क्या होने वाली है, एंड शायद से उसमें रॉक्स ना खेले। सो जो रॉक्स की नई लाइनअप है वो आप क्या सोचते हो वो किस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, क्योंकि GXR वगैरह में तो जाने वाले नहीं है, क्या वो फनेटिक होगी या वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आज के लिए पीस आउट, बाय बाय।